बताया है कि जब किसान आंदोलन थे उस दौरान विड्रॉ ट्वीट्स को विड्रॉ करने हटाए जाने की इस तरह की मांग आई थी, खासकर कांग्रेस, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या मंशा है, क्या कारण? देखिए, जो कहा गया है वो झूठ झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर से अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर से आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 1419 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्हें अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डॉर्सी ने झूठ बोला है और केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। टाइमिंग पे आप शंका करते हैं प्रधानमंत्री का विजिट? और देखिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं, और उनका प्रयास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करना होता है। झूठ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं और एक जो तनाव पैदा करने की परिस्थिति खड़ा करना, इस तरह के काम किए जाते हैं। और ये चेहरे एक बार नहीं, कई बार पहले भी बेनकाब हुए, फिर एक बार बेनकाब होंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत में इतना मजबूत नेता है कि आज भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि विदेशी ताकतें हों या उनके यहां पर बैठे कुछ एजेंट्स हों या साथी हों, ये जितना भी प्रयास कर लें, इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। इनके प्रयास जितने भी जारी हों, ये देश के खिलाफ ऐसे प्रयास करते हैं कि कभी मंजूर नहीं। जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया। और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है, भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी, ऐसी कोई बात? मैंने पहले कहा गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा, नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया। वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब तीन काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब एक साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा गर्मी बरसात ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था, साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई।
और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए तीन काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, ये मई 2021 की बात है, किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था कोई तथाकथित टूल किट को लेकर। उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है, और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था, और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉयज के घर पर छापा पड़ा, और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था।